शीतला माता के श्रृंगार महोत्सव में केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्ल्यू ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई। शीतला घाट स्थित शीतला माता के वार्षिक श्रृंगार व भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम मां को पंचामृत स्नान कराया गया। इसके बाद नूतन वस्त्र आभूषण धारण कराकर विभिन्न सुगंधित पुष्पों से मां की अलौकिक झांकी सजाई गई। मां का विधिवत पूजन अर्चन करते हुए भोग अर्पित किया गया। वहीं इस अवसर पर देर रात तक श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में पहुंचकर पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने पहुंचकर माता का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू ने पहुंचकर मां के दरबार में मत्था टेका, जहां मंदिर के उपमहंत अविनाश पांडे ने उनका स्वागत किया व आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर महंत शिव प्रसाद पांडे सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। भंडारा संपन्न है। ये काशी का अति प्राचीन भंडारा है, जो कि सिद्धपीठ बड़ी शीतला माता माई धाम दशाश्वमेध घाट काशी पे अनेकों वर्षों से मनाया जा रहा है। उसी परंपरा अनुसार इस वर्ष भी भगवती का दिव्य एवं भव्य भंडारा किया गया। भगवती का वार्षिक श्रृंगार होता है, श्रृंगार के बाद 5 दिवसीय संगीत महोत्सव होता है, उसके उपरांत हर वर्ष माँ का वार्षिक भंडारा होता है, जिसमें सभी धर्म के लोग आकर अहिल्याबाई घाट पे माता का भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। और इसी क्रम में आज के दिन शीतला बुढ़िया माई जो गुफा में विराजमान है, उनका वार्षिक श्रृंगार भी किया जाता है। उसके उपलक्ष्य में भी भगवती का हलवा प्रसाद भक्तों में वितरण किया जाता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई एवं नीचे गुफा में विराजमान श्री दक्षिणी आदि शीतला बुढ़िया माई का वार्षिक भंडारा उत्सव आज मनाया जा रहा है, जिसमें सभी लोग काशीवासी सभी लोग माँ के भंडारे में उपस्थित होकर माँ का प्रसाद ग्रहण किए हैं और सभी धर्म के लोग अपना इसमें बैठ कर माँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आज ये माँ का उत्सव हो रहा है, वार्षिक श्रृंगार के उपलक्ष्य पर ही आज माँ का अखंड भंडारा है। सभी लोग माँ के भंडारे में सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन श्री यंत्र पीठम संत द्वारा किया जाता है।